टेक्नोलॉजी का खुलासा सिर्फ दो ही लोग कर तीन लोग कर सकते हैं, एक केंद्र में बैठी हुई सरकार, एक चुनाव आयोग, तीसरा टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप अपने सिस्टम को जैसे चाहे सेट कर सकते हैं, आप इसमें अलार्म भर सकते हैं, आप इसमें जिसकी चाहे फोटो सेट कर सकते हैं, हमें इसका फ़ोन आया तो फोटो देख लिया जी। तो इस ये टेक्नोलॉजी का दोस्त नहीं, मशीन का दोस्त नहीं है, दोष है उस मानसिकता का जो इसको रन कर रही है, जो सत्ता में बैठे। आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, जब तक वो लोग ईमानदार नहीं होंगे तब तक आपको ये शंका बनी रहेगी। और हमने तो अपने मुद्दों में उठाई है ये बात जी, हमने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है उसमें भी ये बात उठाई है। आज आपकी क्या मांग है? केजरीवाल के इस्तीफे की मांग है, गरीब आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये भेड़ की खाल में भेड़िया है जिसने गरीबी का खाल ओढ़ के और मुख्यमंत्री बना, और जब राज्यसभा में भेजने का नंबर आया तो किसी गरीब को राज्यसभा में नहीं भेजा। चौहान जी, सर आज चुनाव है, 6 महीने बाद 8 महीने बाद क्या जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं बहुजनों की, क्या कोई ऐसा अलायंस बनना है कि आप लोग सारे एक साथ मिलकर एक ताकत बन के आए उभरे? ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, जो बहुजन के नाम पे जो राजनीति हो रही है उस राजनीति को बंद कर देना चाहिए। अब राजनीति को नए सिरे से लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने कहा हमारी पार्टी का एजेंडा है, हमने जिस दिन पार्टी लॉन्च की हमने उसी दिन कहा कि वी विल इंट्रोड्यूस कास्ट एबोलिशन एक्ट इन दिस कंट्री, वी डू नॉट वांट एनी कास्ट इन दिस कंट्री शैल रिमेन। तो हमने ये कहा है कि कोई भी कास्ट इस देश में, अगर कास्ट खत्म होगी तो यहाँ पे क्लास स्ट्रगल होगा, जो रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा होगा। कुछ लोगों ने कास्ट को एज इट इज रखने के लिए, जिनके संसाधनों पे कब्जे हैं, जो लोग संसाधनों पे कब्जे करके बैठे हैं उन लोगों ने कास्ट सिस्टम को मेंटेन किया हुआ है। अगर आप आज कास्ट एबोलिशन एक्ट लेकर आ जाओ तो कल क्या होगा, आपकी सीधी लड़ाई अमीरों के खिलाफ हो जाएगी, गरीब और अमीर की लड़ाई शुरू हो जाएगी, और वो गरीब अमीर की लड़ाई से बचने के लिए कास्ट सिस्टम को, They want that the caste system shall be remain in this India. तो आपका समझौता नहीं होगा जो पार्टियां हैं, जो हम कोई समझौता करने के लिए नहीं आए, हम लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। समझौता जो लोग समझौता करना चाहते हैं वो आपने देखा, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बैन जी ने यूपीए के साथ समझौता किया, यूपीए के समझौते से दलितों को क्या मिला, उन दलितों को जो सुप्रीम कोर्ट में केस
यूपीए गवर्नमेंट के दौरान डिसीजन हुआ के प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हुआ, तो बहन जी के पास जितने भी एमपी थे वो बार बार यूपीए को सपोर्ट करते रहे। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जजमेंट चेंज करो या अमेंडमेंट लाओ, पहली बात। दूसरी चीज़, बहन जी की 450 करोड़ की एफडी तो रिलीज होगी, उनका पर्सनल गेन तो हो गया लेकिन समाज को क्या मिला? तो ऐसी लड़ाई हम नहीं, बहुजन नाम पे हम ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे, और जो लोग जो इनकी लड़ाई है, इनके सिद्धांत की लड़ाई, हम अपने सिद्धांतों से लड़ाई लड़ेंगे ना तो सत्ता को पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू। आपकी अपनी पार्टी। मनप्रीत जी, कहाँ से आई हैं आप? चूड़ी क्यों लेके आई हैं? नथुराड़ी से आई हूँ। चूड़ियाँ क्यों लेके आई? मैं केजरीवाल को कहनाना चाह रही हूँ कि ना तो कोई लेडीजों की सुरक्षा है, ना छोटी छोटी बच्चियों की सुरक्षा है, ना जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल तो जाएंगे ही जाएंगे, सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर टीचरें बैठी होंगी हैं, कोई बच्चे को ढंग से पढ़ाई ही नहीं होंगे। पहली मुद्दा तो यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलती हैं तो ये गलत काम हो रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। पुलिस खुद धंधा करती है, खुद हत्या मांगती है, चोरों को बढ़ावा वो देती है। जब केजरीवाल चाहे तो पुलिस को रोक सकती है, हर टाइम पर पुलिस वाले तो धंधा करते हैं। पुलिस वाले चाहते हैं कि हमें तो दुनिया रेप करें, चोरों चक्के पड़े हैं, हर मतलब जो भी है जेब कतरे हैं इनको बंद होना चाहिए। आज मांग क्या है आप छुड़ी लेकर के आए हैं? मांग ये है, हमारी मांग यही है कि केजरीवाल को यह सोचना है सारी लड़कियों को, छोटे बच्चों को, जो बच्चियां जाती हैं उनके वाला सुरक्षा होनी चाहिए। पहली बात कर रहे हैं आप लोग, पार्टी कर रही है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन? देखिए, हमने 19 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दिल्ली में ये बताया था कि हम 10 दिन तक लगातार हर विधानसभा में जो तीन दिन में पानी की समस्या के, पानी 3 दिन में एक बार सप्लाई होता है, और जो पावर पानी, जो गंदा पानी है, पावर कट की जहाँ तक बात है, पावर कट के लिए बात की गई, पावर कट पे कंपनसेशन देने की बात की थी। आज पूरी दिल्ली गर्मी से त्रस्त है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बिजली नहीं आ रही है, लेकिन पावर कट पे क्या कंपनसेशन मिला किसी को बताया? बिजली के बिल डबल हो चुके हैं, साथ साथ शिक्षा में हमने कहा कि कोई भी नया स्कूल की बिल्डिंग, केजरीवाल जी बता दें कि मैंने नई बिल्डिंग बनवाई है, 20 कॉलेज बनवाने की बात थी वो नहीं बन पाई। तो हमने 10 दिन लगातार 70 विधानसभा में धरना दिया, और उस कार्यक्रम के समापन के रूप में आज हम यहाँ आए। सर, यहाँ पे चूड़ियाँ भी लेके महिलाएं आई हैं, वो चूड़ी क्या चूड़ी लेके? चूड़ी दो तरह के, एक तो महिलाओं को दिल्ली में सुरक्षा नहीं है, दूसरा जो महिलाओं के बीच में ये बंटवारा करने की कोशिश की गई झूठ बोल के मेट्रो में हम आपको फ्री पास देंगे। तो हम कहते हैं मेट्रो में जो कामकाजी महिला हो तो ठीक है, लेकिन जो महिलाएं घरों में बैठी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनके लिए कहाँ से क्या काम करें? तो उन महिलाओं के लिए आप महिलाओं के बीच में डिवीजन करा रहे हैं, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चला रहे हैं। आप तो कहते थे अंग्रेजों की पॉलिसी। क्या मांग क्या है? केजरीवाल जी के इस्तीफे की मांग है। सर, थे जो आम जनता चाहती थी वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो 500 स्कूल का ले लीजिए, 20 कॉलेज का ले लीजिए, साफ पानी का ले लीजिए, आप बिजली कनेक्शंस का ले लीजिए। आज बिजली कनेक्शन नए लगवाने जाते हैं तो आप पहले 3-3.5 हज़ार लगते थे, आज 20-20 हज़ार रुपये लग रहे हैं, पानी घरों के अंदर साफ नहीं आ रहा है। आदमी चूड़ियाँ, चूड़ियों का क्या मतलब है? ये चूड़िया का मतलब ये है, जब जिसको काम करना नहीं आता तो चूड़िया पहन के बिस्तर पर बैठ जाए। और ये मैं केजरीवाल के लिए लाके आई हूँ, और ऐसी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ कि ये चूड़ियाँ जो हैं केजरीवाल के लिए इसलिए लेकर आई हूँ कि 4 साल में अभी तक कोई काम करने की हिम्मत नहीं करी, तो चूड़ियाँ पहन के बिस्तर पे बैठ जाइए, मैं आपका सामान भी भिजवा दूंगी। चूड़ियों को कमजोर समझते हैं? हाँ, चूड़ियाँ इतनी कमजोर हैं, नाजुक हाथों में टूट जाएंगी। महिला कमजोर नहीं होती, महिला एक नरम होती है, तो वो महिला ही। आप लोग ज्ञापन देकर आए थे, क्या कहा मंत्री जी ने? आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या कहा है उन्होंने? विज्ञापन में वो मिले नहीं है, हमारा विज्ञापन लेके उन्होंने रिसीव करके हमें दे दिया है, और हमें शाम तक उसका मिल जाएगा, और शाम तक नहीं मिलेगा तो हम फिर दोबारा अपनी तैयारी करके इससे ज्यादा। ज्ञापन में ऐसा क्या है, क्या मांगे थी आपकी? हमारे मांगे हैं पानी की है, विकलांगों की पेंशन की है, बिजली के बिल की है, सीवर की है, और काफी लोगों के कामों की हैं, दारू के जगह जगह जब से केजरीवाल की सरकार आई है अड्डे बन चुके हैं, लोग मर रहे हैं, सट्टे हैं, दारू हैं, खुल के मिलके काम कर रही, तो ये मेरी मांग है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।